वेलकम टू व्हाट्स अप भाई एकेडमी जी। आज सर हमारे पास है बोरिक एसिड और इस बोरिक एसिड से हम कैरम बोर्ड पे लगा के उसकी स्मूथनेस बढ़ाते हैं, बट आज हम कुछ अलग करेंगे, कुछ तूफानी करेंगे इसके साथ। और एक और चीज हमारे साथ इथेनॉल, काफी लोगों को पता है तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। एंड दिस इज डीनेचर्ड अल्कोहल इथेनॉल, आप मुझे कमेंट्स बताना डीनेचर क्या होता है। तो सर अपन इतनी क्वांटिटी ले लेते हैं। हाँ सर, एक स्पैचुला ले लो आप। हाँ, एक स्पैचुला ले लेते हैं, ये है बोरिक एसिड, है ना। अपन ने बीच में डाल दिया दिए पे, ठीक है, ओके। और लगभग इतनी छोटी सी कटोरी इथेनॉल लेना बहुत जरूरी है, और ये हम इसके साथ अब मिक्स कर देंगे। अब हम इस मिक्सर को मिक्स कर देते हैं, देखो जल्दी से मिक्स हो गया अच्छे से, है ना सर। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। अब आता है मोमेंट ऑफ ट्रूथ और इसलिए हमें लाइट ऑफ करनी पड़ेगी। तो सर अब फाइनली बच्चों को दिखा दें। यस सर, अब देखिए, दिखा दो। और ये एक ग्रीन फ्लेम है बच्चों, कितना ब्यूटीफुल है, आपको दिख रहा है ग्रीन फ्लेम, ये इथेनॉल का फ्लेम फ्लेम है विद बोरिक एसिड। और ये ग्रीन सर, इसका टेस्ट होता है ना कुछ। यस सर, ये बोरेट एनायन का टेस्ट होता है। यहाँ पे क्या बन गया, वो है ना इथाइल बोरेट बन गया। तो एनायन का क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो करते हैं तो ग्रीन कलर फ्लेम आते हैं यहाँ पे, सो हमें पता चलता है यहाँ पे है बोरेट एनायन। और ये जो फ्लेम है ये भी बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि दिखता नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ये फ्लेम है बट लाइट में दिखता नहीं है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पेपर आग पकड़ लिया है। सो अगेन बी वेरी केयरफुल विद दिस फ्लेम, लेट्स क्रैक इट टुगेदर। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना और इसको घर पे ट्राई करना।